हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, यहां पर जो है मैं नई वीडियो को लेकर हाजिर हो चुका हूं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का अपडेट लेकर, जो कि आज का अपडेट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन 30/6/19 का। जी हां फ्रेंड्स, एक और डिस्ट्रिक्ट का जो है सेकेंड ज्वाइनिंग लिस्ट जारी हो चुका है, तो उसका पूरा अपडेट आपको हम देंगे। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको हम ले चलेंगे और दिखाएंगे किस डिस्ट्रिक्ट का आया है और उसका पीडीएफ भी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखिए लास्ट तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आप चाहते हैं कि जॉब्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं जो कि आया है नया अपडेट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कार्यपालक सहायक को लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट किशनगंज का, जो कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से आया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का नया अपडेट। ये देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2018 फाइनलिस्ट सेकंड। तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है जो कि कल शाम में अपलोड किया गया है, 29/6/19 का अपडेट है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं इसको। ये रहा फ्रेंड्स ऑफिशियल अपडेट, समाहरणालय किशनगंज जिला स्थापना शाखा आदेश दिया गया है। जिला स्तर पर कुल 418 नए कार्यपालक सहायकों का एवं 5 पुनर्नियोजित कार्यपालक सहायकों का पैनल तैयार किया गया है, और इसमें जो है कुल 172 कार्यपालक सहायकों के नियोजन करते हुए अधियाचित कार्यालय को पदस्थापन हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 2/19/1/19 द्वारा सेवा सौंपी गई, और पुनः विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर योगदान नहीं करने वाले एवं त्यागपत्र देने वाले कार्यपालक सहायकों की कुल 49 रिक्ति उपलब्ध है, और प्राप्त रिक्ति के आधार पर प्रतीक्षा सूची से कार्यालयवार आरक्षण कोटिवार तालिका के स्तंभ 3 में अंकित कार्यपालक सहायकों की सेवा तालिका के स्तंभ 7 में अंकित कार्यालय में प्रस्थापन हेतु सौंपी जाती है, और नियोजित कार्यपालक सहायक को निर्देश है कि वे दिनांक 8/19/19 के अपराह्न 5 बजे तक अचूक रूप से अपना सेवा प्राप्त कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पर बता रहा है कि जो पैनल निर्माण हुआ था कार्यपालक सहायक का, तो उसमें से बहुत सारे ने ज्वाइन किया और लगभग 49 अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर रिजाइन दिया या किसी कारण से छोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो या किसी ने आपको जो है योगदान नहीं दिया, तो यहाँ पर जो है उसी के रिगार्डिंग में जो वेटिंग लिस्ट में था पैनल में, उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, और 8 जुलाई तक बिना किसी कारण के अचूक रूप से आपको ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और 8 तारीख के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है पैनल का क्रम संख्या, आईडी नंबर, अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, आरक्षण कोटी और कोटी का नाम जिसके विरुद्ध नियुक्त किए गए हैं, और नियोजन हेतु सेवा प्राप्त कार्यालय का नाम, कहाँ पर आपको काम करना है वो दिया गया है। तो यहाँ पर अपना नाम चेक कीजिए, कुल जो 49 अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो अपना नाम फटाफट चेक कीजिए और आपको जो है 8 जुलाई तक अपना ज्वाइनिंग कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा अपडेट, और बाकी यहाँ पर अपडेट देख लीजिएगा क्या आपका सैलरी वगैरह है, आपको तो पता ही है, और क्या क्या इसमें है, क्या क्या लेके जाना है, सब कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर जानकारी आपको उम्मीद करता हूँ लगा होगा, क्योंकि ये जो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से आया है अपडेट, तो जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको यहाँ पर फिर से दोबारा मौका दिया गया है, तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।